गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन एट होम विद योर फैमिली। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे लेसन। आवर टुडे लेसन इज बास्केटबॉल। क्लास 9 एंड 10th गेम बास्केटबॉल। टॉपिक मेजरमेंट्स ऑफ द प्लेयर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ बास्केटबॉल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे लेसन, नंबर ऑफ टीम। हाउ मेनी टीम इन ए मैच? देयर विल बी द आंसर। टू टीम्स आर नेसेसरी फॉर ए सिंगल मैच इन एवरी गेम। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम। हाउ मेनी प्लेयर्स इन ए टीम व्हेन द प्लेयर्स आर प्लेइंग ए मैच? एवरी टीम हैव 5 प्लेयर्स। एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है 7 प्लेयर्स इन एवरी टीम। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल प्लेयर्स ऑफ टीम 12। 5 प्लेयर्स आर प्लेइंग इन ए कोर एंड 7 सब्स्टिट्यूशन दे विल सिट इन द आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कोर्ट। व्हाट इज द कोर्ट साइज? व्हाट इज साइज ऑफ कोर्ट? 28 मीटर्स इनटू 15 मीटर्स। 28 मीटर्स लेंथ ऑफ द कोर्ट एंड 15 मीटर्स विड्थ ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल। व्हाट इज द सेंटर सर्कल ऑफ द रेडियस? रेडियस सर्कल विल बी 180 मीटर्स इन ए सेंटर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, विड्थ ऑफ द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन विड्थ ऑलवेज विल बी 5 सेंटीमीटर्स ऑफ द ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बोर्ड? थिकनेस ऑफ द बोर्ड विल बी 3 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ द लोअर एज ऑफ बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर। द लोअर एज ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर विल बी हाइट 290 मीटर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड का निचला हिस्सा होता है, वो जमीन से कितना ऊंचा होता है? 2.90 मीटर्स हाइट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल? सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल इज 752.78 सेंटीमीटर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल? वेट ऑफ द बॉल इज 1600 to 1665 ग्राम्स। मिनिमम वेट विल बी 600 ग्राम एंड मैक्सिमम वेट विल बी 650 ग्राम्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द गेम? इन द बास्केटबॉल गेम हैव 4 कोर्ट्स फॉर 10 मिनट्स। फर्स्ट क्वार्टर्स 10 मिनट्स, आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर विल बी टेक रेस्ट फॉर 2 मिनट्स, आफ्टर दैट 10 मिनट्स सेकेंड क्वार्टर, आफ्टर दैट इंटरवल टाइम 10 मिनट्स, आफ्टर इंटरवल टाइम टीम विल बी प्ले द थर्ड क्वार्टर, आफ्टर दैट 2 मिनट रेस्ट, आफ्टर दैट दे विल प्ले फोर्थ क्वार्टर। जो बास्केटबॉल की गेम होती है उसमें कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहले 10 मिनट का क्वार्टर होगा, प्लेइंग होगा, खेल खेला जाता है 10 मिनट के लिए, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, फिर सेकेंड क्वार्टर खेला जाता है और सेकेंड क्वार्टर खत्म होने के बाद ही तो वहाँ पे 10 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद थर्ड क्वार्टर प्ले होता है वो भी 10 मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद 3 मिनट्स का रेस्ट होता है और उसके बाद जो 10 मिनट्स का फिर प्ले किया जाता है। यहाँ 4 क्वार्टर्स होते हैं बास्केटबॉल गेम के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरवल बिटवीन टू ड्यूरेशन। यहाँ पूछ रहा है कि दो जो ड्यूरेशन होती है, टू ड्यूरेशन के बीच में कितना इंटरवल होता है? मीन कि फर्स्ट और सेकेंड जो क्वार्टर खेला जाता है और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर खेला जाता है उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? देयर आर विल बी डिस्टेंस 10 मिनट्स, वहाँ पे 10 मिनट्स का रेस्ट रहेगा, इसको ही हम लोग इंटरवल टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी ऑप्शंस इन ए गेम? ऑप्शंस इन गेम 5। 1 रेफरी, अंपायर, स्कोरर, टाइमकीपर एंड 24 सेकंड ऑपरेटर। वहां पे 24 सेकंड का रूल होता है गेम के अंदर, जो उस टाइम को ऑपरेट करता है उसको बोला जाता है 24 सेकंड ऑपरेटर। सो टुडे वी आर एंडिंग अवर द टॉपिक फ्रॉम दीज वर्ड्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द